नमस्ते गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब काफी हद तक अच्छे होंगे और जहां होंगे मस्त हैं, स्वस्थ होंगे। तो गाइस, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप किस संसदीय क्षेत्र में रहते हैं, आप जैसे चुनाव आ रहा है 2024 का संसद का, तो आप इसमें ऐसे में जानना चाहते हैं कि हम किस संसदीय क्षेत्र में रहते हैं, हमारा सांसद कौन है, हमारे क्षेत्र से कौन खड़ा हुआ है, आप किस संसद को यानी किस क्षेत्र किस संसदीय क्षेत्र में आप वोट देंगे, आप सब पता कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मालूम है कि आप किस संसदीय क्षेत्र में रहते हैं, आपका संसदीय क्षेत्र कौन सा है, आप इस वीडियो में पता कर सकते हैं। वो भी सिंपल सा प्रोसेस में, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, ठीक है? और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, हम आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे अपना संसदीय क्षेत्र मालूम कर सकते हैं, आपके किस क्षेत्र में रहते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपको अपने मोबाइल फ़ोन में क्या करना है, प्ले स्टोर ओपन कर लेना है, ठीक है? अपने संसदीय क्षेत्र मालूम करने के लिए प्ले स्टोर ओपन करने के बाद को क्या करना है, नेट को ओपन कर लेना है, ठीक है? और यहाँ एक एप्लीकेशन सर्च करना है जिसका नाम है वोटर हेल्पलाइन, ठीक है? इस एप्लीकेशन को आपको सिंपल सा सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपके फ़ोन में इंस्टॉल नहीं होगा तो इसको क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है। हम ऑलरेडी इंस्टॉल कर ली है तो आपको इंस्टॉल कर लेना है। चलिए हम ओपन करते हैं। जैसे ओपन करते हैं तो कुछ तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है, ठीक है? तो हम इसको ओपन होने देते, कुछ इस तरह का ओपन हो जाता है। तो वो क्या करना है, अगर आप इस ऐप को पहली बार क्या खोल रहे हैं तो वो क्या करना है, इसमें यहाँ न्यू यूजर पर क्लिक करना है, ठीक है? जैसे आप न्यू यूजर पर क्लिक कीजिएगा, अपने मोबाइल में डालना है और सेंड ओटीपी पर क्लिक करके ओटीपी डाल लेना है और एक पासवर्ड बना लेना है, ठीक है? पासवर्ड बनाने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। ये सिंपल सा प्रोसेस है, हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप कर लीजिएगा। चलिए हम ऑलरेडी साइन अप कर लिए हैं और यहाँ मोबाइल नंबर और यहाँ अपना पासवर्ड डालकर क्या करेंगे, हम लॉग इन हो जाएंगे। तो चलिए हम मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालकर लॉग इन हो जाते हैं। यहाँ देख सकते हैं मेरा ओटीपी सेंड कर दिया, मेरा ओटीपी यहाँ आ चुका है, ठीक है? इस ओटीपी को इसमें हम डाल लेंगे। ओटीपी फिलअप करने के बाद हम सिंपल सा लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, हमारा लॉगिन यहाँ सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो चुका है। तब क्या करना है, यहाँ देख सकते हैं इस ऑप्शन पर यहाँ सर्च योर नेम इन इलेक्टोरल रोल, इस पर क्लिक करना है, ठीक है? जैसे इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ बहुत सारा ऑप्शन आएगा, ठीक है? तो अब क्या करना है, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, ई पिक नंबर वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने जो वोटर कार्ड लेना है, और देखिए वोटर कार्ड नंबर पर लिखा रहता है XPW करके नंबर लिखा रहता है। आपका जो वोटर कार्ड होगा उसमें ई पिक नंबर लिखा होता है, इस ई पिक नंबर में डाल देना है, ठीक है? कुछ इस तरह का ई पिक नंबर रहता है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए हम इसमें ई पिक नंबर डाल देते हैं। ई पिक नंबर कुछ इस तरह का रहता है, हम डाल दिए, ठीक है? सिंपल से हम सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे सर्च पर क्लिक करेंगे तो इस कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं आपका वोटर कार्ड ओपन हो आ जाएगा, ठीक है? आपको इसमें पता कैसे करना है कि अब हमारा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, आपका संसदीय क्षेत्र कौन सा है, आप किस संसद को वोट करेंगे, ठीक है? तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आपको लिखा है पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनसी, यहाँ देख सकते हैं यहाँ क्या है, संसदीय क्षेत्र का नाम लिखा हुआ है। आपका जिस जिला में, जिस संसदीय क्षेत्र में आप रहते हैं उस क्षेत्र का यहाँ नाम आ गया, यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ आपको विधानसभा पर विधानसभा आ जाएगा, और यहाँ देखिए संसदीय क्षेत्र आ जाएगा, आप इसी क्षेत्र के सांसद को वोट करने वाले हैं और इसी क्षेत्र में रहते हैं आप, यहाँ देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है। तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं, चाहेंगे तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है? डाउनलोड करने के बाद आपको सेव हो जाएगा, ठीक है? तो हम वीडियो में इतना ही बताने वाले थे। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।